हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका क्लाइमेट कूल एयरकॉन पे। आज हम देखेंगे स्प्लिट एसी को किस तरह से निकालते हैं या अभी इंस्टॉलेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आउटडोर पे जाना है। यहाँ पे चार्जिंग लाइन सक्शन के ऊपर जो गेज एडाप्टर रहता है वहाँ पे कस देंगे और गेज देंगे। सबसे पहला काम अपने को यही करना है। उसके बाद प्रेशर गेज देखेंगे, देखिए पहले से गेज कर। उसके बाद डिस्चार्ज एलेंकी को बंद कर देंगे, एलेंकी वॉल बंद हो जाएगा। इस तरह से बहुत से कस्टमर जो घर शिफ्ट करते हैं, गैस लीकेज होने की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल भी आपका एसी सेफ एंड कन्वीनियंट तरीके से निकाल सकते हैं और दूसरी जगह ले जाकर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये बंद करने के बाद हमें एसी को स्टार्ट करना होगा। जब एसी स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए अब एसी स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम ये सक्शन एलन की वॉल को बंद करेंगे। गेज आपको जिस तरह से दिखता हुआ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो बंद कर देंगे। जब भी बिल्कुल जीरो पे जाना वाला रहेगा तो तीन में जीरो हो जाएंगे। जीरो से जस्ट पहले ही अपने को एलन की वॉल बंद करना है ताकि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर या वैक्यूम में गेज बंद हो जाए। एसी को बंद कर देंगे। उसके बाद आउटडोर को स्टैंड पर अगर लगाए तो उसके स्टैंड पर नट्स बोल्ट लूज कर लेंगे, इस तरह से रिमूव कर लेंगे उसको। दोस्तों, ये वीडियो खास आपके लिए बनाई है। उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसके बाद हम आपको अपना नट्स फ्लेयर नट्स खोल लेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के हमारे सब्सक्राइब करेंगे हमारे वीडियो इस तरह के आप प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह से खोल दिया जाए। उसके बाद हम इंडोर साइड से जहाँ कैसे हैं उसको भी इस तरह से खोल देंगे। इस तरह से वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। जो भी सीमेंट लगी उसको डिस्ट्रॉय करेंगे जिससे हमारा इंडोर का पाइप इजीली रिमूव हो सके। इंडोर भी डिस्कनेक्ट हो गया, आउटडोर भी डिस्कनेक्ट हो गया, पाइपिंग अलाउ हो गई है। इंडोर घंटा का पुश करेंगे हैंगिंग प्लेट से नीचे उतार के रख लेंगे। देखिए, उसके बाद हम पाइप को सीधा करेंगे और ले जाने में पैकिंग करने में ईजी भी रहेगा। केबल्स को भी सही करते हैं। उसके बाद हम इसका जो है फ्लेयर नेट बताते हैं पॉइंट पे टेप लगाते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा डस्ट कचरा इसमें नहीं जाए। इस तरह से इसको टेप कर देते हैं। अगर आपके पास ग्रेड केप हो तो वो भी कर सकते हैं। इस पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं टेक कर रहा हूँ। करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आ गई। अगर पसंद आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नई नई इस तरह की वीडियो मिलती रहे। ये आउटडोर स्टैंड भी रोम्बे नील पर निकल रहा हुआ है, इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। और फास्टनर पर होता तो हम ईजीली इसको खाने से या एलंग से खोल सकते। ओके, बाय।